कई लोग तो किताब में देख के ही जप करना शुरू करते हैं। नहीं करने से करना ठीक है, लेकिन वही मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय कोई वर्षों से जपता आ रहा और भगवान शंकर उसके इष्ट हैं, ठीक है, लेकिन वही अगर नमः शिवाय मंत्र कोई सतगुरु के श्रीमुख से मिल जाता है तो सद्गुरु की शक्ति उसमें मिल जाती है और साधक को जल्दी सफलता मिलती है। तो भगवान शंकर ने पार्वती से ये बात कही कि हे देवी, हे पार्वती, गुह्यात गुह्यतमम सारम, कि मैं ये बात नहीं कह रहा कि जो ऐसे ही चलते फिरते कहीं भी, ये तो गोपनीय है, गुह्य है, इसलिए ये सारी बातें सबको कहना उचित नहीं। नास्तिक हो, दम्भी हो, भगवान में, गुरु में, संत में जिसको श्रद्धा नहीं है, ऐसे दम्भी, कृतघ्न, पाखंडी, चोर, नास्तिक इत्यादि को ये गुरु की तक कहने का मन में सोचना भी नहीं। कहने की तो बात और है, बोले सोचना भी नहीं कहने को, ऐसी गुई बात है। गुरु गीता समम स्तोत्रम नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु के समान कोई तत्व नहीं है और गुरु गीता के समान कोई शास्त्र नहीं है। शास्त्र ने मतलब स्तोत्र नहीं है। तो जिनके घर में गुरु गीता है हाथ ऊपर करो। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, गुरु गीता है तो सही, लेकिन पाठ नहीं करते हैं तो कैसे चलेगा? जो पाठ भी करते हैं ऐसे लोग भी हाथ ऊपर करो, और जो नहीं करते हैं वो हाथ ऊपर करो। नहीं, सच्चाई है, आपकी सच्चाई पर हम प्रसन्न हैं, लेकिन आप पाठ करना शुरू कर दोगे। चलो, पाठ करना जो शुरू करेंगे वो हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया, शाबाश है। तो आप लोग हर रोज 5-7 पेज गुरु गीता है तो सही, लेकिन फायदा नहीं उठाते, पाठ ही नहीं करते, कैसे चलेगा? घर में पड़ा पारस मणि, अब उसका फायदा लेने के कला नहीं हो तो पारस मणि क्या कर लेगी? घर के पीछे के भाग में कल्प वृक्ष हो लेकिन फायदा नहीं लोगे तो कल्प वृक्ष का क्या दोष? अरे, जो चीज घर में होती है ना उसकी कदर नहीं होती। घर का जोगी भेखड़ू, बाहर का जोगी पीर, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा बोलते हैं ना, रहती है। तो आप सबके घर में गुरु गीता है लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, भगवद गीता पढ़ते नहीं हो। फिर बोले कि मेरे ये तकलीफ है, मेरे तो देखो घर में वो मर गया, फिर वो मर गया, हमारे घर में मौतें बहुत होती रहती है। आप गुरु गीता का पाठ करो, ये गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है। भगवान शंकर कहते हैं, अकाल मृत्यु हंत्री च सर्व संकट नाशिनी, यक्ष राक्षस भूतादि चोर व्याघ्र विघातिनी। इसका घात करने वाली है, चोर व्याघ्र आदि का। अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष राक्षस भूत आदि का भी ये नाश करती है। तो ये भगवान शंकर और पार्वती का संवाद है। और इसी गुरु गीता में गुरु मंत्र की महिमा के संदर्भ में देवाधिदेव महादेव फरमाते हैं। आपको मैं बुलवाता हूं, आप सब बोलेंगे। गुरु मंत्रो मुखे यस्य, गुरु मंत्रो मुखे यस्य, तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा, तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा, दीक्षया सर्वकर्माणि, दीक्षया सर्वकर्माणि, गुरुपुत्रेण संशयः, गुरुपुत्रेण संशयः, जाप्येन जयमाप्नोति, जाप्येन जयमाप्नोति, जप सिद्धिं फलं तथा, जप सिद्धिं फलं तथा, हीन कर्म त्यजेत सर्वम्, हीन कर्म त्यजेत सर्वम्, गर्हित स्थानमेव च, गर्हित स्थानमेव च।
भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती, गुरु मंत्र का जाप करने से जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सारे कर्म सिद्ध होते हैं दीक्षा के प्रभाव से। जिसका गुरु नहीं है, जिसने गुरु मंत्र लिया नहीं है, उसके जीवन में परिवर्तन तो आता है लेकिन उसका भाग्य, उसका दुष्ट प्रारब्ध अगर तगड़ा होगा तो उसको भुगतना है, लेकिन जिसने गुरु दीक्षा ले रखी उसके कर्म भी कट जाते हैं। क्षीण प्रारब्ध तो कट ही जाता है, मंत्र के प्रभाव से शूली में से कांटा हो जाता है और पहाड़ में से राई हो जाता है, और तरतीव्र प्रारब्ध है तो थोड़ा बहुत भुगत लिया। गुरु लाभात सर्वलाभ हो, गुरुहीनस्तु बालिशः। गुरु का लाभ होना ये बहुत बड़ा लाभ है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो रविवार को, गुरुवार को, पूर्णिमा के दिन परिक्रमा करना, और एकादशी अमावस्या के दिन गुरु गीता का, भगवद गीता का पाठ आदि करना, जप करना विशेष फल होता है। घर में बैठ के जप करने की अपेक्षा आश्रम में जप करने से अनंत गुना फल होता है। भगवान शंकर जप स्थानों का वर्णन करते, बोले कैसे स्थान में बैठ के जप करना चाहिए। स्मशाने बिल्व मूले वा वट मूलांति के तथा जपंती कान के मूले। पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, शिव मंदिर में, तुलसी वन में, शमशान में, गौशाला में, पवित्र निर्मल स्थान में, गुरु आश्रम में जप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेटत कठिन कु अंक भाल के, भाग्य में लिखे हुए कठिन कु अंक भी गुरु मंत्र का जाप करने से दूर होते हैं। तो गीता यहाँ श्लोक पाठे न, गीता के एक आठ श्लोक का पाठ करने से, गोविंद नाम का स्मरण करने से और साधु पुरुष का दर्शन करने से करोड़ों करोड़ों तीर्थ करने का लाभ मिलता है। Thank you.